सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो दैनिक सवेरा टीवी। मैं हाँ निरू पिछलवान। मोहाली दी एक पंजाब सरकार दी ड्रग कंट्रोलर ने एक अजिहा खिताब हासिल किया जो शायद मैं कहती हाँ कि बहुत घट अजिहियां सरकारी नौकरियां करने वाली महिलावां होणगियां जो इस खिते दे विचकार आउंदियां। नवदीप कौर मेरे नाल इत्थे मौजूद है, इंडियन सुपरा नैचुरल विनर ने। सब तो पहले तो तुहानूं मुबारकबाद होवे। लोग इत्थे जितने भी बैठे ने या देख रहे ने वो ये जानना चाहते हैं नवदीप कौर इत्थे तक पहुँची किवें। जी, सब तो पहला नवदीप कौर एक बेटी है, सिंगल मदर है, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर है ड्रग डिपार्टमेंट दी। एंड जदों नवदीप छोटी जी सी उदों तो उहदा सपना सीगा कि हर कुड़ी दा एक सपना होंदा ब्यूटी क्वीन बनन दा। बट टाइम दे नाल समझ आया कि उहदी इंपॉर्टेंस की है। ब्यूटी क्वीन दा मतलब है नहीं कि तुहाडा फेस सोहना होना चाहिए, तुसी अंदरों किन्ने सोहने हो, तुसी किसी नूं इनफ्लुएंस कर सकदे हो लाइफ 'च कि वह भी तुहाडे लाइफ तो कुछ सीख के अगे वध सके। मेन मकसद हर पेजेंट का यह हैगा कि तुसी किसी नूं सिखा सको, दुनिया च कोई चेंज लिया सको। एंड मेरी पर्सनल सरकमस्टेंसेस ने मैनू सिखाया कि हाँ मैनू इदां दे स्टेज दी लोड़ हैगी है, अपने लई, दुनिया लई, मेरे वर्गे होर सिंगल मदर्स लई इस स्टेज दी बहुत ज़्यादा लोड़ सीगी। सरकारी नौकरी करदे नूं कितना चिर हो गया? मैम, मैं 2011 तों जॉइन किया होया है पंजाब सरकार विच, ते उदों तों ही मैं ड्रग कंट्रोल ऑफिसर ड्रग डिपार्टमेंट च काम कर रही हाँ। ते बहुत सारे अप्स एंड डाउनस भी देखे हैं, बहुत सैड मूमेंट्स भी आए हैं साडे ड्रग डिपार्ट, प्राउड मूमेंट्स भी आए हैं जदों सानू लोकां ने भी कहा कि नहीं हुण बहुत घट गया पहले नालों नशा। खुशी होंदी है वो चीज़ सुन के भी, बट जदों कोई कंप्लेन आती उदों दुख भी होंदा कि कित्थे छुट रहे हैं आपां। ते मैनू समझ आया कि सप्लाई चेन की तो प्रॉब्लम हैगी, डिमांड चेन नू तोड़न की ज़्यादा प्रॉब्लम हैगी है। जो तक तुसी यूथ नू नहीं समझा पाओगे ना, मैं नहीं लैना, वेचन वाला तो वेचेगा, उन्हें पैसे का फायदा वो करेगा। ये तो बच्चों समझाने की लोड़ है कि नहीं बेटा तुसी इस पासे नहीं जाना। तो उहदा सब तो वधिया इन्फ्लुएंस स्टेज, पावरफुल स्टेज जिहड़ा हैगा इदां दे पेजेंट हो गए या फिर सोशल मीडिया हो गए या फिर तुसी किसी इदां दे लैवल ते पहुँच सको कि बच्चा तुहाडे नाल कनैक्ट कर सके। जे तू कनैक्ट करेगा, हुण जे कल नूं अमिताभ बच्चन आके बच्चे किसी बच्चे नूं परसनली कह देना बेटा तू छड़ दे ड्रग, छड़ देगा वो। जे तक तुसी कहा सिंगल मदर हो कि सिंगल मदर होन करके इदा लग गया कि कुछ करके दिखाना हैगा, या फिर जब तुसी अपने डिवोर्स दे वल वध रहे सीगे वो जे डिफरेंट फेज सीगा, वो ब्लैक फेज हुंदा है हर औरत दी जिंदगी दी, बहुत कुछ झलना पैंदा है, बाहर होवे, दुनिया दे विचकार होवे, काम दे विचकार होवे, बहुत कुछ झलना पैंदा। उत्थे आके डिसाइड किया कि हुण जाके इस पेजेंट दे विचकार या फिर इस तरह दी ब्यूटी पेजेंट दे विचकार हिस्सा लेना। मैम, मेरी लाइफ से कुछ टाइम पहला ही एक बहुत गंदी स्टेज आई, बहुत डिप्रेस स्टेज विच मैं आ चुकी सी, क्योंकि बच्चे नू ना कल्ले पालना बहुत ही मुश्किल काम हुंदा है। बट मैं फिर भी बहुत स्ट्रांगली खड़ी रही कि मैं स्माइल करांगी ताई मेरा बच्चा स्माइल करेगा। ते वो एक मैनू एक हिम्मत सीगी कि नहीं, मैनू अपने बच्चे वास्ते होर स्ट्रांगली खड़ा होना है। फिर मेरे ना बहुत रियलाइजेशन हुई है, मेरे वर्गी बहुत लेडीज़ हैं जिहड़ियां एक पॉइंट ते आके ना हिम्मत ही छड़ दिंदियां, तो मैं इदा का की करा कि वो लेडीज़ मैनू देख के कहनी यार ए कर सकती तो मैं भी कर सकती हाँ। लाइफ बचाना बहुत जरूरी है, एंड जे मेरे जरिए किसी की लाइफ बच सकती है, वो जिंदगी खूबसूरत बना सकता वापस, तो क्यों नहीं। अच्छा, इस पूरे फेज़ के विचकार, डार्क फेज़ के विचकार अमूमन यह होंगे कि हौसला टुटता है। तुम कि मैं चाहनी हूँ सब, जब तुहाडा आप का हौसला टुट रहा है, अपने आप नूं तुसीं किवें सहेज कर खड़ा करके रखे, क्योंकि बच्चे के सामने मुस्कुराना बहुत जरूरी, नहीं तो बच्चे के उत्ते मानसिक असर बहुत ज़्यादा पैंदा है। देखो मैम, मेरी लाइफ से इस तो अलावा बैकबोन की सर्जरी की भी प्रॉब्लम आई है। मैं 6 मंथ्स बहुत बैड रिडन वाला हिसाब से बहुत बुरी हालत से रही हाँ। मैं उस टाइम तो पहला तो ठीक है, मैं धक्के मुक्के नाल कोशिश करती रही। जब मैनू लग्या ना मैं कल्ली हाँ, फिर मैं लग्या मैं किसी होर दे उत्ते क्यों डिपेंड हो रही अपनी खुशी वास्ते एंड अपने बच्चे की खुशी वास्ते। एंड मैनू एक रियलाइजेशन हुई, मैनू अपने आप नू आप ही खुश करना पेगा, कोई दूजा बंदा आके नहीं मैनू खुश कर सकता या मेरी लाइफ नू चेंज कर सकता, मैनू आप ही खड़े होना पेगा। ये मेरे उत्ते या तो मैं कुएं च डिग जा या फिर अपने आप नू चक के आसमान ते लै जा, तो मैं दूजे पासे जाना बैटर समझे। उस विचकार तुसी किसी नू इन्फ्लुएंस या किताब पढ़ी या फिर आपां कहिंदे कि किसी दी मोटिवेशन स्पीक सुनी जिसने तुहानू मोटिवेट किया होवे? एक्चुअली मैं जदों इस फेस च गई बहुत रोई एक दिन, बहुत ज़्यादा मैं मेरे नाल हो की रहा है, कोई भी मेरे नाल सही नहीं कर रहा या मैनू इदा लगता सी हर कोई मैनू तुतकार रहा है या फिर ओहो ये नाल तो फिर इदा दी हो गई है, तो कुड़ी इदा दी होएगी या
बहुत कुछ कहते हैं लोग। फिर मैं ना एक देखा कि एक उनके लाइफ कोचिंग होंगी है, मैं फिर क्लासेस लेनिया स्टार्ट कीतियाँ पॉजिटिविटी दी, लाइफ कोचिंग दे बारे पढ़ना शुरू किया। ते उदे नाल मैनू बहुत फर्क पिया कि अपने आप नू किवें खुश रखना है, पॉजिटिव किवें करना है। मैं उस पासे पढ़ना शुरू किया। तो जदों मैं सैल्फ लव बारे पढ़ना शुरू किया, मैनू रियलाइजेशन होनी शुरू हुई कि जिंदगी दा मेन मकसद है पहला अपने आप नू खुश करो, एंड फिर जब तुसी खुश होगे तुसी अपने आप ही दूजियां नू इन्फ्लुएंस कर पाओगे खुश होने वास्ते। लोगों ने कहा कि भी ये इदा हो गया तो कुड़ी इदा दी होनी है। डिवोर्स रेट काफ़ी बढ़ रहा है, तो इस दे विचकार दोनों पक्ष देखने बहुत जरूरी है, मर्द साइड का भी औरत साइड का भी। हमेशा औरतों ही क्यों डिवोर्स का मेन रीज़न मनिया जाता है, इस ये मैं जानना चाहूँगी थोड़े तो तुम्हें की लगता है कि कितने जाके सोच बदलने की लड़ है, क्योंकि कितने ना कितने मावं भी है जो अपने पुत भी चेंज कर सकदियां ने। मैम मैं ये तो पर्सनल क्वेश्चन है, एक्चुअली कमेंट नहीं करना चाहूँगी, बस एक ही चीज़ कहूँगी, हाँ आई एम सेपरेटेड एट द मोमेंट, आई एम नॉट डाइवोर्स्ड एट द मोमेंट। मैं तो उदा व्यू पॉइंट पूछ रही हूँ कि अक्सर जब भी डिवोर्स होता है महिलाओं के उत्ते ही क्यों पाई जाती है गल? ओ मैनू किते ना किते लगता है कि देखो बंदा उसी नू दबांदा है जिन्हों दबाना ईजी लगता है। अपनी तुसी आप सोचो, औरत एक बहुत मुकम्मल जहां हैगा है ना, तो उन्हों दबाने की कोशिश लगता है कि मतलब लोग करते हैं, कोशिश करते हैं वही चीज़ में चेंज करने वास्ते इस स्टेज पर आई हाँ। अच्छा, तो फिर जब ये प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल हैगा, ब्यूटी पेजेंट लिए तैयार होना, एक तो जनरल नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए है, फिर अपने आप नू मेनटेन करना, तो अपने आप नू किवें मेनटेन किया? मैम मेरा दिन स्टार्ट होंदा योगा तो स्टार्ट होंदा, मेडिटेशन तो स्टार्ट होंदा, एक्सरसाइज करते हैं 5 बजे ऑफकोर्स, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करनी है तो मैं ज़्यादा छेती उठना पैंदा क्योंकि बच्चे नू भी तैयार करके भेजना मैं स्कूल च, तो मैं टाइम मैनेज करती हाँ। जदों ड्यूटी तो फ्री हो गए फिर आके पढ़ती हाँ, न्यूज़पेपर्स पढ़ ले, जनरल नॉलेज बाकी चीज़ें पढ़ लिया, आप प्रैक्टिस करती हैं मिरर के सामने बोल बोल के कि मैं किवें बोलना चाहिए या किवें प्रेजेंट करना है। हुन थोड़ी जिम्मेवारी लगती है क्योंकि जे इंडिया नू रिप्रेजेंट करना है तो उन्होंने मेरे थ्रू देखना है कि एक इंडियन वूमेन किदा दी लगती है या की करती है या की सोचती है, तो हुन मैं उस पासे चल रही हूँ। बट मेरा मेन मकसद है जिदा दी मैं हैगी हाँ मैं वही रिप्रेजेंट करांगी क्योंकि मेरा बेस्ट वर्जन मैं ही हाँ, तो मैं वही चीज़ नू करन दी कोशिश कर रही हूँ। तो हुण जे नैक्सट पेजेंट है जिस दे विचकार इंडियन तुसी रिप्रेजेंट करन जा रहे हो, कद है? मैम वो फैब विच हैगा जी, काफ़ी चिर समा हैगा, काफ़ी लंबा समा हैगा। की औरतों नू कहना चाहोगे जिन्हों लगता ब्यूटी पेजेंट का मतलब जो है सिर्फ अपने आप की खूबसूरती दसना हैगा, उन्होंने की कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगी ब्यूटी पेजेंट इज़ नॉट अबाउट आउटर ब्यूटी, इट इज़ मोर अबाउट इनर ब्यूटी। तुसी अंदरू किदा दे हैगे हो, किदा दे इंसान हो, तुसी दुनिया नू इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अगे वधा सकते हो, कोई चेंज दुनिया च लिया सकते हो कि नहीं, वो सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ब्यूटी पेजेंट ले भी ही सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो ही होती है, शक्ल तो कोई भी बना सकता है, तुसी अंदरों इंसान किदा दे हो वो चीज़ तो तुसी अपने अंदर वर्क करो, क्योंकि ये सिर्फ ब्यूटी पेजेंट वास्ते नहीं हो, तुसी इन जनरल लाइफ भी जे अपने आप पर वर्क करोगे, एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करोगे, दुनिया अपने आप तुहाडे नाल चलनी शुरू हो जाएगी। तुसी तां पाया होया मैं देखिया उत्थे छोटा जिहा एक होर पिया होया है, ये किस वास्ते? ये एक्चुअली हर ब्यूटी पेजेंट के सब टाइटल्स भी मिलते हैं, तो मैनू फेयर एंड फ्लॉलेस का अवार्ड मिलिया सीगा सब टाइटल का, एक चैरिटी अवार्ड मिलिया सी, जिहड़े इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स होंदे उहदे च एक राउंड होंदा फोरम राउंड जिदे तुसी प्रेजेंटेशन देनी होंदी है, मैनू प्रेजेंटेशन का टॉपिक मिलिया सी कि विडो वूमन वास्ते जे तुसी कुछ करना चाहो तुसी की करोगे, तो उहदे ते मैं एक बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि मेरा मानना है कि सिर्फ बोलन वास्ते नहीं बोलना, प्रैक्टिकली वो चीज़ की जा सकती है कि नहीं, तो उन्होंने लैके मैं प्रैक्टिकल सजेशन दित्तियां सी, जिवें कि फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशनस नाल टाई अप हो सके ताकि छोटे छोटे लोन मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी सिंगल मदरस या विधवा वूमेन्स हैगियां जिन्हां दे नाल ए प्रॉब्लम है कि पैसा नहीं हैगा, कि वो ताकत हैगी कला हैगी पैसा नहीं हैगा उन्होंने चलाने लिए, जो उन्होंने वो हेल्प मिल जाए तो शायद वो टेलरिंग या छोटी छोटी जॉब्स करके अपना अपने बच्चे का दोनों का ख्याल रख सकती हैं। उस तो अलावा साइकैटली मेंटल हेल्थ उन्होंने बहुत डिस्टर्ब हुई होती है, क्योंकि मैं भी देखा है डिप्रेशन प्रॉब्लम्स होंगे तकलीफ च आता बंदा, तो उन्होंने एक साइकैट्रिक हेल्प प्रोफेसनल मिल सके ताकि वो अगे बढ़ सके, यह जी ग्रीफ है सौरव है या प्रेशर है बच्चे मैं कल किमें पालना उस चीज़ तो कड़न लई हेल्प हो जाए, एक सोशल सर्किट तो कट जाती है उस दे वास्ते सानू कल्चरल प्रोग्राम्स ना इस पासे अजे विडो वूमन वास्ते लोग सोच ही नहीं रहे हैं, बस 2-3
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਰੱਗ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਵਿਡੋ ਵੂਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨੈਗਲੈਕਟਿਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਕਲਚਰਲ ਈਵੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ IAS ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ। ਜੇ ਉਹ ਮਦਰ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਹੈਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਮ ਜੇ ਨੇ ਰਾਜਲਾਲੀ ਗਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ। ਸ਼ੋਰ ਮੈਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਾਊਨਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਡੋ ਵੂਮੈਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਇਨ ਦੈਟ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏ ਨੈਗਲੈਕਟਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਵੂਮੈਨ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵਿਡੋ ਵੂਮੈਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਿੰਗਲ ਵੂਮੈਨ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਸਿੰਗਲ ਮਦਰ ਹੋ, ਸਿੰਗਲ ਹੋ, ਵਿਡੋ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਜਗ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਪ ਚੱਕ ਸਕੋ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਟੇਕੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਜਰਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।